वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 10 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के सबसे प्रथम बैंक का क्या नाम था? प्रथम बैंक का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट सवाल है, जवाब पता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर टू, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय निम्न में से किस बैंक में हुआ था? बैंक ऑफ राजस्थान का विलय निम्न में से किस बैंक में हुआ था? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, सवाल इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए यदि आपको जवाब नहीं पता है तो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर तीन, सुनार सोने को पिघलाने के लिए आग के किस भाग का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाहरा अर्थात बाहरी नीला भाग उसे। ठीक है, आप देखते होंगे, कभी गए होंगे तो देखे होंगे। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी जो नीला भाग उसका होता है, फूंकने के बाद निकलता है। क्वेश्चन नंबर फोर, राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने के लिए कितना समय निर्धारित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर पांच, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर छह, सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त होने वाले लैंपों में क्या प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। क्वेश्चन, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, धन्यवाद। सवाल नंबर सात, बुल्फिया माइक्रो एस्पर्मिया क्या है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, जंगल बुक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अभी चेंज हुआ है पता। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत की पहली परख नली प्रक्रिया से जन्मी बेबी हर्षा का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? बहुत अच्छे सवाल है, पहली की बात है, फिर से सुनो, भारत की पहली परख नली प्रक्रिया से जन्मी बेबी हर्षा का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है अर्थात राज्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। क्वेश्चन फॉर यू, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यदि आपको राइट आंसर पता है तो आप लिखेंगे क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और यहां आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।